हेलो बच्चों, मैं डिंपल कटारिया आपको यहाँ पे 10वीं कक्षा की गणित विषय की कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट 14 करा रही हूँ। ठीक है, आज हम इसमें बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। तो शून्यक आपको याद होंगे क्या होते हैं, कि अगर हम बहुपद में एक्स का कोई मान रखें जिससे कि उस पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाए तो वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है, अब पर कॉन्सेप्ट आया कि बहुपद क्या होता है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद की। तो बच्चों, बहुपद जो होता है उसमें क्या होता है, चर राशि होती है। चर यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब। ठीक है, और अंकों के एक से अधिक पद होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। अब आप कहेंगे कि बहुपद तो हो गए और चर राशि भी हो गई, जैसे एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब वगैरह ये सब आ गए उनके अंदर, तो उस बहुपद की घात क्या होगी? तो घात बच्चों बहुपद की वो होती है जो उसकी चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है। ठीक है, और शून्यक, शून्यक क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, चर राशि, जैसे कि x अगर चर राशि हम लेकर चल रहे हैं तो x के किसी मान पर अगर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। जैसे कि ये उदाहरण देखो, पी एक्स, पी एक्स इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि x में बहुपद। इसमें x की घात 4 है प्लस 3 x की घात 3 प्लस 1 है, तो इसमें चर राशि यानी कि जो ए बी सी डी के अक्षर है उसकी जगह यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक है, और सबसे बड़ी घात एक्स की क्या है, 4 है, तो इसकी जो बहुपद की घात है वो भी क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखो, पी एक्स, इसमें एक्स प्लस 2 है। आपको बहुपद का मान शून्य के बराबर रखना है चर का मान निकालने के लिए, यानी कि शून्यक निकालने के लिए, तो आप पी एक्स को 0 के बराबर रख दो, तो एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो गया, और इससे एक्स का मान हमारे पास कितना आ गया, -2। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कि हम ग्राफ में इनको कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हम तो इसका ज्यामितीय अर्थ पढ़ना चाह रहे हैं। तो बच्चों, ग्राफ को समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्राफ में क्या क्या होता है। कार्तीय निर्देशांक होते हैं, ये वाला x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये इस तरफ से y नेगेटिव वाला होता है और इस तरफ से x नेगेटिव वाला होता है। ये आपके पास 4 चतुर्थांशों में बटा होता है। पहले चतुर्थांश में x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तीसरे में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। अब हमारे पास एक प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। आओ प्रयास करें। पी एक्स बराबर है x की घात 4 प्लस 2 एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स प्लस 7। इसमें पूछिए बहुपद की घात। अब आप देखो, x की जितनी भी घात है सबसे बड़ी घात यहाँ पे है, और ये कितनी है, 4, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है पी एक्स, जिसमें x प्लस है 5 के। ठीक है, इसका शून्यक चाहिए आपको। अगर आपको इसका शून्यक चाहिए तो आप x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आपके जितने भी शून्यक आते हैं, ठीक है, जितने भी शून्यक होंगे एक बहुपद के, उतने ही x अक्ष पर वो क्या करेगा, काटेगा। ठीक है, जैसे जितनी बहुपद की घात होगी शून्यक, उतने ही हल और आलेख में उतने ही बिंदु x पर मिलेंगे। कैसे, तो देखो, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक y इज इक्वल टू पी एक्स है, ये बहुपद का हमने यहाँ पे ग्राफ भी बनाकर देख लिया, ये इस प्रकार से इसका ग्राफ है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, आप रेड कलर वाले निशान देखो। रेड कलर वाले निशान का मतलब क्या हुआ, देखो ये तो है हमारे पास x अक्ष और y अक्ष, और यहाँ पर ये पूरा ऐसे ग्राफ है, और ये जहाँ रेड है एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु है ना, जहाँ पे भी रेड है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ग्राफ इस अक्ष, x अक्ष को काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस बहुपद में कितने शून्यक हो गए, 3, क्योंकि ये x अक्ष को 3 जगह ही काट रहा है। समझ में आया? अब कुछ प्रश्न है उनको देखो, इनमें हमें शून्यक की संख्या ज्ञात करनी है। पहला देखो, पहले में देखो ये y बराबर पी एक्स है ना, तो हम वही देखेंगे जो x अक्ष पर काटेगा। ठीक है, देखो ये इतनी यहाँ पे काट रहा है, ये एक्स अक्ष पर, तो ये कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो इसका शून्यक एक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ पे हो गया, तो ये काट रहा है 2 बार, तो इसका शून्यक भी 2 हुआ। और इधर यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे काट रहा है ना, कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक बार, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी, और इसमें 1 और ये 2, तो इसके शून्यकों की संख्या यहाँ पे 2 होगी। ध्यान रखना है कि जब भी y बराबर पी एक्स हो तब आपको वो देखना है कि x अक्ष को कितनी जगह काटा जा रहा है। लेकिन अगर उल्टा हो, उल्टा का मतलब यानी कि x अगर बराबर हो पी वाई, यानी कि y चर में अगर बहुपद हो, तब आप देखोगे कि y अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।